आपको पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता देखना है तो देखिए आपके स्क्रीन पर 2016 की तस्वीर को वो कैसे आज की तस्वीर बनाकर अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं वो इन तस्वीरों को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो कल आपको याद है ना शेम इमरान खान, कल जो नेशनल असेंबली में हंगामा हुआ था भारत की एयर स्ट्राइक्स के बाद, कुल मिलाकर कैसे झूठ के जरिए प्रोपेगेंडा के जरिए जो इज्जत है वो पाने की कोशिश इमरान खान और पाकिस्तान की फौज कर रहे हैं, जरा इन तस्वीरों में आप देख लीजिए। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूं, यही मकसद है आपको बताने का कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे हम जी न्यूज पर तथ्यों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से जो कि इस समय आप अपने स्क्रीन पर होते हुए देख रहे हैं। शिवदान I have got hurt and I would like some water, please. Start again, please. Yeah, my name is Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. I am a flying pilot and my religion is Hindu. Okay. What else? I'm sorry, sir. As per, that's all I'm supposed to tell you. Okay. Wing Commander Abhinandan. Yes. Pardon? I'm not supposed to tell you that, no? Okay. Yes. Yes. Am I speaking to an officer? Yes. Okay. May I request a little bit of information? Am I with the Pakistani sir, army? जी पाकिस्तान से ज्यादा कर नहीं सकता। देखिए पाकिस्तान हैसियत नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी को डाउन नहीं करती हूं। जैसे गली का इससे आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे गली का गुंडा होता है और वो अपनी अपनी छोटी मोटी हरकतों से पूरे गली की अट्रैक्शन या पूरे शहर को तंग करता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान ने अपने आप को अपनी उस स्थिति में पहुंचा दिया है, जो बड़े दुख की बात है। एक हमारा पड़ोसी देश है, भारतवर्ष ने बहुत दिन तक उसको सही रास्ते पर आने की कोशिश की, मगर एक सामंती आर्मी के कारण आज पाकिस्तान इस कंडीशन पहुंच गया है। ये पाकिस्तान की आर्मी जब से भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ है वहां का उसने आपने पता है अब तक पाकिस्तान में 6 मिलिट्री रूलर हो चुके हैं, हर मिलिट्री रूलर ने पाकिस्तान को रूल करने की कोशिश की है और उसकी आर्मी पाकिस्तान का पूरा ट्रेड उसका 60% ट्रेड वहां की आर्मी के पास है। इसलिए वो देश जो है उसको पाकिस्तान के में चाहे कितनी बिजनेस एक्टिविटी बढ़े मगर उस देश को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि उसका पूरा रेवेन्यू आर्मी अपने इसलिए पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो इस कारण से आज पाकिस्तान इस कंडीशन में आ गया है और उसके साथ साथ वो आर्मी अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपनी अपनी औकात को बढ़ाने के लिए केवल पूरे पाकिस्तान को भारत का एक प्रोपेगेंडा दिखाती है, भारत को एक दुश्मन की तरह दिखा करके पूरे पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाती है। ये एक पूरी मानवता जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमिनिटी बसती है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध है और मैं इस मंच से पूरी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को आह्वान करता हूं कि पाकिस्तान को सही रास्ता पिलाने की कोशिश की जाए और वहां पर रहने वाली मानवता की मदद की जाए। सर आप कैसे लेके आएंगे जो खुद ही तबाही के रास्ते पर चल पड़ा हो, कैसे दुनिया उसको सही रास्ते पर लेकर आए? 71 के बाद नहीं सीखा, तमाम वॉर हो चुकी उसके बाद नहीं सीखा।